हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरा गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, यानी कि मेरा एक्स स्कूल। तो हम लोग 15 अगस्त के लिए ये लोग ने सोशल सर्विस कर रहे हैं और कुछ कुछ डेकोरेशन कर रहे हैं, जो कि जो 15 अगस्त का दिन में झंडा गिराएगा, वो फ्लैग गिराने के लिए लोग जो कुछ कुछ बना रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आजकल प्राइमरी स्कूल में बहुत छोटे छोटे लोग हैं। पहले जब हम लोग 5 था, तब समय हम लोग सबसे छोटा अगले था। अभी देखो ना, छोटा छोटा बच्चा लोग हैं, ये देखो। तो अभी यहाँ में बच्चे लोग सब गड्ढा खोद रहे हैं। यहाँ में राउंड से खोदेगा, राउंड से खोद के इसमें में एक लाठी, यानी कि लॉलीपॉप का स्टाइल में खोदेगा और बीच में से परा से खोद के यहाँ से पाइप उठाएगा और यहाँ में बीच में झंडा गिराएगा। और यहाँ में जो टीचर कोई भी होगा वो बात करेगा 15 अगस्त के दिन पे। पंखू, अच्छा, तो एक भाई से पूछते हैं, यहाँ में टोटल कितना स्टूडेंट होगा? आई थिंक एग्जांपल 100 पार है, 130। अच्छा, 130 समथिंग है बोला है। और स्कूल तो मैंने आगे को भी दिखा दिया, ये स्कूल थोड़ा मोरा पुराना है और ख़राब है, बट क्लीननेस बहुत अच्छा है। और यहाँ में सर लोग बैठते हैं, यहाँ में टीचर लोग। ये पेंटिंग भी काफ़ी अच्छा किया है, अभी सर चला गया। और यहाँ में गर्ल्स कुछ कुछ खेल रहे। और ये डस्टबिन और ये टॉयलेट बना दिया फिर से स्कूल कंपाउंड में। अभी करने के लिए इतना काम नहीं है, और यहाँ पे ही वो काम करेगा। और यहाँ में छोटे छोटे बच्चे लोग कुछ कुछ खेल रहे पत्थर से। और पहले जब हम आगे में एक बार विजिट करने आया था, तब समय में वहाँ में सीढ़ी नहीं था, अभी सीढ़ी बना दिया। जिसने भी ये सीढ़ी बनाया है और बहुत अच्छा काम किया। स्कूल को इस तरह से डेकोरेशन करना है। अभी ये खिड़की वगैरह भी ख़राब हो गया, इसको भी गवर्नमेंट थोड़ा देखभाल करने से ठीक है। कोई भी ये देखिए, और ये कितना क्लास का है? अभी हम क्लास टू ना। फाइव लोग कहाँ बैठते हैं? फाइव लोग उधर में ना। अच्छा, तो अभी शायद पूरा स्टूडेंट नहीं आया भी होगा। और आज का मौसम देखिए, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। जगह दिखाने के लिए जल था बस ये। और मेरा माथा दर्द देगा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है ये जगह में, थोड़ा थोड़ा दर्द देगा। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं, तब भी बना रहा है इसे। और यहाँ में बच्चा लोग है, इसके लिए हम ये लोग का काम कैसे चल रहा है और कैसे है, मतलब वो देखने के लिए आया है। सीलू को थोड़ा मदद कर रहे हैं हम, ऐसे रोटेट रोटेट मत करो, ऐसे सीधा से खींचो। सीलू को थोड़ा मदद कर देगा, हम भी तबीयत भी ठीक नहीं है, तब भी थोड़ा सा हेल्प करा देगा आ गया तो। और यहाँ में अभी जो हम लोग गड्ढा खुदाई कर रहे हैं, इसमें एक एक बम्बू खड़ा करेगा और यहाँ में रस्सी से ऐसे राउंड करेगा, उसके बाद वहाँ में कुछ डेकोरेशन करेगा। लेकिन डेकोरेशन आज नहीं करेगा, खोद के से बेम्बू जमा करेगा। जब डेकोरेशन तो शायद मंडे अभी एडवांस करके रख लिया तो खराब कर देगा बच्चा लोग, इसके लिए सिर्फ इसको बना के रख देगा। इसको फेंको, गरम भी लग रहा है। इसको ज्यादा डीप नहीं करने से भी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ में बेम्बू खड़ा करना है। मेन तो ये मेन तो अभी ये गड्ढे खोद लिया और आधा स्टूडेंट जो है उधर में छोटा छोटा आरबीएम लेने चला गया, क्योंकि इसको ऊपर में रखने के लिए, नहीं तो 15 अगस्त के दिन में बारिश आने से कीचड़ हो जाएगा और डिज़ाइन भी नहीं निकलेगा इसके लिए। और अभी यहाँ में आधा बचा हुआ है, वो लोग ने बेम्बू को क्या बोलते हैं इसका, वो इसको साफ कर रहे हैं, मतलब इसको स्मूथ करा रहे हैं। मैंने इसको स्मूथ करेगा, उसके बाद में इसको नाप के टुकड़ा करके यहाँ में लाइन से लगाएगा। पूरा कंप्लीट होने का मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह से निकलेगा। आप लोग इस वीडियो को बने रहना।
तो अभी लगभग काम आधा हो चुका है और अभी ये बेम्बू लोग को काट के या मैं राउंड से लगा दिया। अभी इसको वो कर रहे हैं, टाइट करा रहे हैं मिट्टी घुसा के और इसको राउंड से बनाएगा। और नहीं रुको रुको, इसके लिए भी नहीं काटा है, इसके लिए भी नाप के काट दो, एक टुकड़ को नाप के काट दो नीचे के लिए भी। हाँ इस तरफ से घुसेगा ना ऐसा करके राउंड से, आपको बाहर से सर्कल दिखाते हैं। सब लोग थोड़ा साइड करो, तो साइड करो साइड करो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये किस शेप में निकलेगा। आपको पहले भी बता चुका था ये एग्जांपल के लिए आपको ये लॉलीपॉप का शेप में बनाएगा। वो तो बीच में जो पाइप क्या बोलता है पानी वो पाइप जो वो करेगा खड़ा करेगा वो हमें फ्लैग टंगाएगा और नीचे में ये होगा। और यहाँ में ये छोटा छोटा अरबीम वो बच्चा लोग ने बुक के ला दिया, अभी आधा लाया है, उसको यहाँ में डाल देगा। उसके बाद में यहाँ में लाइन लाइन से कुछ कुछ डिज़ाइन करेगा उसका क्या क्या करेगा। और यहाँ में इस डिज़ाइन को खड़ा करेगा, सर यहाँ से बात करेगा। उसके बाद में इसको पूरा सफ़ा करके छोड़ेगा। ये लोग बच्चा लोग है इसके लिए एडवांस बना रहे हैं। अभी 15 अगस्त के लिए तीन दिन ऐसा कुछ है अभी एडवांस बनाया है, क्योंकि एडवांस बनाना ही ठीक है, क्योंकि एडवांस बनाने में कोई ख़राब बात नहीं है, जल्दबाजी में बनाएगा तो ठीक भी नहीं होगा। और बेम्बू उधर में है और अभी आधा उधर में चला गया वो छोटा आरबीएम लेने के लिए। ये स्कूल ख़राब हो गया, यहाँ बच्चा लोग खराब करते हैं ना, कौन खराब करते हैं पता नहीं, ये किस लिए खराब करता है ये पता नहीं। और इसको गवर्नमेंट को थोड़ा गवर्नमेंट लोग थोड़ा रिपेयर कर देने से ठीक है। ये पूरा ख़राब हो चुका है, ये जो नया बनाया वो वाला ये वाला जल्दी ख़राब हो रहा है। किसने बनाया होगा ना, ये थोड़ा नमूना से बनाया नकली से इसके लिए ख़राब हो गया। और ये देखो 90s ज़माना में बनाने वाला, अभी तक एक भी गड्ढा नहीं है, बस वो नहीं है इसमें कलर पेंट नहीं किया इसके लिए, इसको भी कलर वलर पेंटिंग कर देने से भी ठीक है और ये सबको थोड़ा रिपेयर करने से। और जिसने ये लिखा है ये बहुत सुंदर से लिखा, ये हमें टीचिंग स्टाफ का है और ये सब में कुछ लिखने से भी ठीक था कि ना क्या क्लास है, कौन सा स्टाफ रूम है और ये कौन सा रूम है, लिखने से भी ठीक था तो लिखा ही नहीं। ये ताला को भी देखो, ये सबको तो पूरा दाव से कट कट के शेप खराब हो गया। देखो ऐसा नहीं करने से ठीक है, हम आज से लोग को बोल के छोड़ेगा ना, स्कूल है साफ रखना, इसको खराब ना करे बोल के छोड़ेगा। हाँ तुम लोग इसके ऊपर में क्यों काटा है, धुलाई करेगा रे, नीचे में काटो ना, ये आंगना मचे लग माप मंजे, तुम लोग काट काट के ये हालत खराब हो गया। देखो ये खिड़की नहीं लग रहा है, ये लोग को ना कैसे बोलने से मानेगा। ओ चे मान लो ओ मिये क्यों काटता है सबको। स्कूल का कंपाउंड काफ़ी बड़ा है और मज़ा भी है यहाँ में खेलने के लिए। अच्छा होने से हम यहाँ से यूज़ करना था सर से पासपोर्ट मांगना, बट खराब हो गया, क्या फ़ायदा। अगर कौन खराब किया है नमची जी, कौन खराब करता है ना ये सबको। स्कूल का हालत देखिए, इतना ख़राब तो नहीं है फिर भी थोड़ा मोड़ा ख़राब है, देखने में लुक्स तो थोड़ा सा कम हो गया। कोई कोई उधर में काम कर रहे, कोई कोई यहाँ में पत्थर खेल रहे। इसको हम लोग का भाषा से कहता है क्या बोलते हैं, लॉन्खेन बोलते हैं लॉन्खेन। और यहाँ में भी खेल रहे, यहाँ पे भी लड़कियाँ, ये सब बचपन में खेला करता था हम लोग। और ये स्पेशली बस्ती लेवल में खेलता है, बस्ती गांव में खेला जाता है ये गेम्स। तो ये देखिए ना टीना का हालत, ये खिड़की का ढक्कन जो किसने पेंट किया होगा ना, इतना पोचा से इतना तो मैं आग बंद करके भी पेंट करेगा। जो जो ये 90s ज़माना में जो बनाए ना, ये रूम जो थोड़ा सा अच्छा है, इतना ख़राब नहीं है, बट वो सीलिंग का हालत देखिए। और अभी यहाँ में जो बेम्बू राउंड किया वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये देखिए राउंड से। और यहाँ में दाव से थोड़ा थोड़ा काट के यहाँ में रस्सी लाइन से करेगा, उसमें कलर पेपर से डेकोरेशन किया जाएगा। और ये सीरी में भी डेकोरेशन करेगा, मैं आपको पूरा 15 अगस्त इसका दिन में दिखा देगा किस तरह से डेकोरेशन किया और किस तरह से यहाँ में 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपको पूरा फुल वीडियो दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, तो बने रहना।
सो गैस, तो अभी काम भी कंप्लीट नहीं हुए, तो अभी कंप्लीट होने वाला है। बस इसको थोड़ा मोरा शेप ख़राब कर दिया इन लोगों ने, हम भी नहीं देखा था। हम भी कुछ कुछ वीडियो बनाने में और कहीं थोड़ा मोरा घुमाए तो लोग अच्छा से नहीं देख के राउंड को ख़राब कर दिया। फिर से दोबारा से खुदाई करने दिए हमने और मेज़रमेंट कर रहे। अभी कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट, तो हमें आधा लगा हुआ है। कोई कोई ऊपर में मौसम भी ख़राब है और बारिश दे रहा है और मेरा तबीयत इतना ख़ास नहीं है, इसके लिए इतना तक ही बनाएगा वीडियो। तो सो गाइस, तो आपने देख लिया होगा, हमने पूरा दिखा दिया सर्विस कैसे करता है और कैसे किया है बोल के। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना दोस्तों के साथ हर कोना कोनी में शेयर करना बनता है। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग इस तरह की इंटरेस्टिंग का वीडियो लेके। टाटा, बाय बाय।